नमस्ते, मेरा नाम माया है और माया की कहानियों में आपका स्वागत है। जब हम बीमार होते हैं तो क्या हमें ज्यादा दवाइयों की जरूरत होती है या एक अच्छे डॉक्टर की? चलिए आज की कहानी में पता करते हैं। तो अभी तक के मैंने 3 से 4 डॉक्टर बदले हैं, पर उसमें से एक डॉक्टर है जो अभी भी मेरी डॉक्टर है और मैं उनकी ही दवाइयाँ हमेशा लेती हूँ। बचपन से लेके आज तक मैं उन्हीं की दवाई खाते हुए ठीक होती आ रही हूँ। एक बार मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तभी मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मेरी जांच की और उसके बाद उन्होंने मुझे सिर्फ एक डोज की दवाई दी। वैसे मैं होम्यो की दवाई लेती हूँ तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक डोज दिया और दूसरे ही दिन मैं सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। फिर जब मैं अगली बार डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछली बार उन्होंने सिर्फ मुझे मीठी गोलियां दी थी, उसमें कोई दवाई नहीं थी। तो इससे मैंने ये सीखा कि कोई भी बीमारी से ठीक होने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, दूसरा जो हम दवाई का सेवन कर रहे हैं उस पर भी विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और अगर हम विश्वास रखें तो हम कोई भी बीमारी को हरा सकते हैं। और ये हमेशा याद रखें कि ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाएं जिन पर आपको विश्वास हो कि वो आपको ठीक कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अब मिलते हैं अगले गुरुवार को अगले एपिसोड में।